आंद्रे रसल द रसल मसल न्यू सिक्सर किंग ऑफ आईपीएल, जिस तरह का अभी तक आंद्रे रसल ने खेल दिखाया है, भाई वाह, बच्चे से बच्चा बड़े से बड़ा उनका फैन बन चुका है। और आज भी एक बार फिर से विपरीत परिस्थितियों में बल्लेबाजी करने के लिए आए और क्या कमाल की पारी खेली। मात्र 13 गेंदों में 48 रन की धुआंधार नाबाद पारी खेली और केकेआर को एक हारा हुआ मैच ना सिर्फ कमांडिंग पोजीशन में लेके आए बल्कि मैच को जिताने में भी सफल रहे। नमस्कार, मैं हूं अखिल गुप्ता, स्पोर्ट्स विकी में आपका स्वागत है। और आज जो 2019 का 17वां मुकाबला खेला गया था, वो खेला गया था रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और कोलकाता की टीम के बीच। टॉस जीता था दिनेश कार्तिक ने कोलकाता ने और पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया था विराट कोहली एंड कंपनी को। शुरुआत काफी अच्छी रही, फॉर्म में चल रहे पार्थिव पटेल ने विराट कोहली के साथ मिलकर ना सिर्फ एक अच्छी शुरुआत दिलाई टीम को बल्कि विराट कोहली जो कि लंबे समय से आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे थे, आज कमाल की लय में नजर आए। विराट कोहली ने एक अच्छी बल्लेबाजी की, मात्र 49 गेंदों में 84 रन बनाए। एबी डिविलियर्स का फॉर्म में आना बहुत जरूरी था, लंबे समय से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे, आलोचना उनकी भी काफी हो रही थी, लेकिन आज उनका बल्ला भी खूब गरजा। एबी डिविलियर्स ने 32 गेंदों में 63 रन बनाए और आरसीबी की टीम ने अपने 20 ओवर में 205 रनों का स्कोर खड़ा किया मात्र 3 विकेट के नुकसान पर। जब 205 रन बोर्ड पे लग चुके थे तो मनोवैज्ञानिक दबाव जो है वो केकेआर के ऊपर ही था और होना भी चाहिए क्योंकि आप आरसीबी के सपोर्टर्स के सामने जहां से लगातार आरसीबी की आवाज़ें आ रही हैं वहां से आपको 206 रन का लक्ष्य का पीछा करना था। और क्या कमाल की यहां पे शुरुआत दिलाई सुनील नारायण और क्रिस लिन ने, पहले ही ओवर में जोड़े 17 रन, लेकिन जल्दी यहाँ पे सुनील नरेन को चलता कर दिया नवदीप सैनी ने। सुनील नरेन ने 8 गेंदों में 10 रन बनाए लेकिन उसके बाद एक अच्छी साझेदारी देखने को मिली। अनुभवी रॉबिन उथप्पा लोकल बॉय भी थे, कर्नाटका के लिए खेलते हैं पर घरेलू क्रिकेट इसी मैदान पे काफ़ी क्रिकेट भी खेली है। रॉबिन उथप्पा और क्रिस लिन के बीच एक अच्छी साझेदारी देखने को मिली। 65 रन इन दोनों ने जोड़े दूसरे विकेट के लिए। हालांकि रॉबिन उथप्पा सेट होने के बाद युजवेंद्र चहल को अपने विकेट, पवन नेगी को अपने विकेट दे बैठे, 25 गेंदों में 33 के स्कोर पर आउट हुए और उसके बाद अगले ही ओवर में पवन नेगी ने क्रिस लिन को भी चलता कर दिया। क्रिस लिन जो कि तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे 43 के स्कोर पर आउट हुए 31 गेंदों में। सिचुएशन अब कुछ ऐसी हो चुकी थी कि 139 पर टीम के 4 विकेट गिर चुके थे। जब आंद्रे रसल बल्लेबाजी के लिए आए तब टीम को चाहिए थे 67 रन और आंद्रे रसल ने जिस तरह की बल्लेबाजी की, पहले मोहम्मद सिराज की उन्होंने खूब धुनाई की, उसके बाद मार्कस स्टोइनिस को लगातार 2 छक्के लगाए और सबसे बड़ी बात टीम सऊदी को उन्होंने 1 ओवर में 29 रन बना डाले। अंतिम के 12 जो गेंदें बची हुई थी उन 12 गेंदों में केकेआर को जीतने के लिए चाहिए थे 30 रन। शुभमन गिल ने पहली गेंद पर सिंगल निकाला और अंतिम 5 गेंदों में आंद्रे रसल ने चौके छक्कों की लगातार बारिश कर दी, खासतौर पर लगातार 3 छक्के उनके बल्ले से निकले और पूरे ओवर में निकले 29 रन। और 29 रनों ने मैच को केकेआर के पलड़े में कर दिया, ना सिर्फ पलड़े में कर दिया बल्कि केकेआर मैच जीतने में भी सफल रहा। आंद्रे रसल ने खेली 13 गेंदों में 48 रनों की पारी, 7 छक्के 1 चौका और आरसीबी की लगातार 5वीं हार। केकेआर एक बार फिर से जीत के ट्रैक पर वापस लौट चुका है। तो वाकई में ये जो मैच था, आज का भी मैच केकेआर के लिए आंद्रे रसल जिताने में सफल रहे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, आने वाले मैचेस में भी हम उम्मीद करेंगे कि रसल इसी तरह से मस्कुलर बैटिंग करें और केकेआर को मैच जिताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, शुक्रिया, शुभ रात्रि।